आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। कृषि विभाग द्वारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय 14 से 17 फरवरी तक कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। अत्याधुनिक कृषि यंत्र को व्यवहार में लाए जाने से सभी श्रेणी के किसान समय कृषि क्रियाओं को कृषि यंत्रों पर अनुदान किए जाने के फलस्वरूप उत्पादन लागत में काफी कमी आई है। इस मेला में बड़ी संख्या में उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं बिक्री किया जा रहा है। सभी श्रेणी किसान ससमय कृषि क्रियाओं को संपादित करने में सक्षम हुए हैं। अगर मुझे खुशी है कि राज्य के किसान जो काफी परिश्रमी और काफी मेहनती जा करते हैं और हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बदल रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, कम बारिश हो रही जा करके है, इसलिए हमारी सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों का विशेष रूप से ध्यान बिक्री किया जा रहा है और विशेष अनुदान भी जा करके है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष जलाने के बदले उनके खेतों में प्रबंधन कर खाद के रूप में उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नवीनतम कृषि यंत्रों यथा हैप्पी सीडर, 9 से 11 टाइम बिना रैक का स्ट्रॉ व्हीलर, स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर सहित कई मतलब यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि राज्य के किसान भाइयों ने समय को पहचाना और जिस तरह पराली जलाने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही थी उसमें काफी कमी आई जा रही है।